हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम इंडिया स्कूल ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 8, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। पहेली एंड बुझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। देयर अंकल इज ए फार्मर। वन डे दे सेव सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शोवल, फ्लाव एक्सेट्रा इन द फील्ड। गर्मियों की छुट्टी में पहली बूझो अपने चाचा के घर गए। चाचा उनके एक किसान हैं, जो एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। आई वॉन्ट टू नाउ दे वेयर एंड हाउ वी यूज देस टूल्स। मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। You have learned that all living organisms require food. Plant can make their food themselves. जैसा आप पहले पढ़ चुके हैं कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। Can you recall how green plant synthesis their own food? Animal including humans can not make their own food. So where do animals get their food from? पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मानव सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है, तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? But first of all, why do we have to eat food? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? यू ऑलरेडी नाउ डैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज बाई ऑर्गेनिज्म फ्रॉम कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल और बोथ। जैसा कि आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों से करते हैं, जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल और बोथ। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन योर कंट्री। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं? फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। भोजन के बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। 1.1 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कृषि पद्धतियाँ। वेन प्लांट्स ऑफ द सम काइंड्स आर cultivated at one place on a large scale, it's called a crop. From example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheats. जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े स्तर पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हों। यू ऑलरेडी नाउ डैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक सैलड्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। देज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ द सीजन इज विच दे ग्रो। जैसा कि आप जानते हैं कि फसल विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्य सब्जियां और फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसल का वर्गीकरण करते हैं। इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर अकॉर्डिंगली। देयर इज ए
रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्राउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू बोर्ड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड देज आर. भारत एक विशाल देश है, यहाँ पर ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं. देश में विभिन्न भागों पर विभिन्न प्रकार के फसल उगाई जाती हैं, जैसे मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा गया है. खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. देयर रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर. पैडी, माइज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप. खरीफ फसल जो होती हैं वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, खरीफ फसल कहलाती हैं. भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है, जिसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसल होती हैं. रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्राउंड इज द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम्स, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड्स. रबी फसल शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें होती हैं, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल का उदाहरण है. बिसाइड्स देज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्राउन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस. इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं. 1.2 बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. आधारिक फसल पद्धतियां. वाई पैडी कैन नॉट बी ग्राउंड इन द विंटर सीजन. धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता. पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट्स ए ग्राउंड ओनली इन द रेनी सीजन. धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं. कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज undertaken by farmer over a period of time. You many find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your houses. These activities or tasks are referred to as agricultural practices, which are listed below. Preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizer, irrigation, protecting from weeds, harvesting, storage. जैसा कि फसल उगाने के लिए किसान को अनेक कार्य एक समय रहते करना पड़ता है, आप देखेंगे कि जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं, वह क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां कहलाती हैं. यह क्रियाकलाप आगे कुछ लिस्ट में दी गई है. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करना. सोविंग, बुआई. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद एवं उर्वरक देना. एरिगेशन, सिंचाई. प्रोटेक्टिव फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से सुरक्षा. हार्वेस्टिंग, कटाई. स्टोरेज, भंडारण. 1.3 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करना. द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूसन. दिस अलाउ आर रूट्स टू पेंट्रेट डीप इन टू द सॉइल. द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? जैसे कि फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना सबसे पहला चरण होता है, मिट्टी को पलटना तथा उसमें पोला बनाना. कृषि अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है.
हमें जड़ को भूमि की गहराई तक पहुंचाने के लिए मिट्टी को ऊपर नीचे करना पड़ता है, जैस क्योंकि जड़ें सरलता से श्वसन कर सकें। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधे की जड़ों की सरलता से श्वसन करने में सहायक होती हैं। द लूसेंट सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थ वर्म्स एंड माइक्रोवेव्स प्रेजेंट इन द सॉइल। देज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फॉर्मर सेंस दे फर्दर्स टर्न एंड लूसन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। बट वाई डू द सॉइल नीड्स टू बी टर्नड एंड लूसेंड। पोली मिट्टी, मिट्टी में रहने वाले जो आप देखे होंगे कि मिट्टी में रहने वाले केचुए और सूक्ष्म जीव को वृद्धि करने की में सहायक होती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को पलटते रहते हैं और ह्यूमस बनाते रहते हैं, नमी बनाते रहते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? यू हैव लर्न्ड इन द प्रीवियस क्लासेस डेट सॉइल कंटेन मिनरल्स वाटर एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन एडिशन डेट प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोजेड बाई सॉइल ऑर्गेनिज्म। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिशन इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलाइज बैक इन टू द सॉइल डेज न्यूट्रिशन एंड आर अगेनेस्ट एब्जॉर्ब बाई प्लांट। आप पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु और कुछ सजीव होते हैं, जिसके अतिरिक्त मृत पौधे, जो मरे हुए पौधे होते हैं, जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीव, जो मरे हुए जीव होते हैं, वो पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशेषित किए जाते हैं। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट्स ग्रोथ, टर्निंग एंड लूसिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिशन रिच सॉइल टू द टॉप सो डैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिशन। दिस टर्निंग एंड लूसिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। क्योंकि ऊपरी परत में कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी पौधे में वृद्धि में सहायक होती है। इसे उलटने पलटने से अब उसमें पोला बनाने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी को उलटना पलटना फसल उगाने के अत्यंत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। द प्रोसेस ऑफ लूसिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग और लूसिंग। दिस इज डन बाई यूजिंग ए फ्लाव। फ्लाव आर मेड ऑफ बूट्स और आयरन। इफ द सॉइल इज द प्रोसेस ऑफ लूसिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग एंड फ्लाउजिंग। दिस इज डन बाई यूजिंग ए फ्लाव। फ्लाव आर मेड ऑफ बूट्स और आयरन। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट माई नीड वाटरिंग बिफोर प्लाउजिंग। द प्लाउड फील्ड माई हैव बिग क्लैम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड टर्ब्स। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक केस टर्ब्स। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिकल फॉर सोविंग एज वेल एज द इरीगेशन। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। मिट्टी को उलटने पलटना और पोला करने की प्रक्रिया जुताई होती है। इससे हल चलाकर हम करते हैं। हल लकड़ी के भी होते हैं, लोहे के भी बने होते हैं। मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता पड़ जाती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले हो जाते हैं तो इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना पड़ता है। हमें बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत का समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। समटाइम्स मैनोर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टीलिंग। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैनर विथ द सॉइल। द सॉइल इज मॉइस्चराइज्ड बिफोर सोविंग। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है जिससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भलीभांति मिल जाए। बुआई से पहले खेत में पानी भी दिया जाता है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कृषि औजार।
खेती करने के लिए कौन कौन से औजार की हमें आवश्यकता होती है। बिफोर सोविंग द सीड्स इट्स इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लब टू गेट बेटर यील्ड। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लाउ, होए एंड कल्टीवेटर। कृषि अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक होता है हमें। यह कार्य अनेक औजार से किया जाता है, जैसे हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर। इस कार्य के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट औजार है प्लाउ। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एसेंट टाइम्स फॉर टीलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग एंड वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। दिस इज मेड ऑफ बूट्स एंड इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्स एंड कैमल्स। इट कंटेन ए स्ट्रॉन्ग ट्रिंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड फ्लाउ सेफर। द मैन पार्ट ऑफ द फ्लाउ इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड ए फ्लाउ सेफ। देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द सेफ, द अदर एंड इज अटैच्ड टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन इजली ऑपरेट द फ्लाउ फ्लाउ हिन हल। प्राचीन काल से ही हम हल का उपयोग जुताई बुवाई के लिए करते हैं, खाद उर्वरक मिलाना, खरपतवार निकालना एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जैसे कि बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं को सहायता से खींचा जाता है, जैसे घोड़े, ऊंट। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल सेफ कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है, दूसरे सिरे पर जोते के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों के गर्दन पर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। द इंजीनियस वुडन फ्लाउ इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन फ्लाउ नाउअडेज। आजकल जो लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। होय कुदाली इट इज ए सिंपल टूल्स विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूसिंग द सॉइल। इट इज हैज ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड्स और आयरन, ए स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड वेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स इन एंड वर्क्स लाइक ए ब्लेड। इट इज पुलेड बाई एनिमल्स। कुदाली यह एक सरल औजार होता है, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट्स लगी होती हैं, जो ब्लेड की तरह कार्य करती हैं। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। कल्टीवेटर कल्टीवेटर नाउअडेज फ्लोइंग इज डन बाई ट्रैक्टर्स ड्राइवन कल्टीवेटर्स। देन द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेवर्स एंड टाइम्स। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर का उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है, मतलब मजदूरों की और समय का दोनों की हमें बचत होती है कल्टीवेटर से। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक टुमारो। थैंक यू।